वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर बहुप्रशिक्षित फिल्म जुग जुग जियो इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जुग जुग जियो में अनिल कपूर, नीतू कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी, प्राजक्ता कोहली और मनीष पॉल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। आइए देखते हैं ऑडियंस को यह फिल्म कैसी लगी, फिल्म देखने के बाद उनका क्या कहना है। मूवी सुपर हिट औसम मूवी लगी मुझे, रियली बता, फुल एंटरटेनमेंट, फुल फैमिली पैकेज है, सुपर मूवी, मतलब कि फैमिली एंटरटेनमेंट है और फैमिली को काफी पसंद आएगी, खासकर फैमिली ऑडियंस को। क्या है फिल्म में, क्या डिवोर्स जो टैलाक बोलते हैं ना, टैलाक को लेके मूवी को, जो कि किस तरीके से लोग फैमिली में ड्रामा, लोग रिश्ते संभाल नहीं पाते एक दूसरे के, वाइफ हस्बैंड, तो उस चीज़ को उन्होंने दर्शाया मूवी के जरिए। राज मेहता जो मूवी का डायरेक्टर है, उन्होंने डायरेक्शन को लाजवाब किया, सुपर एक्टिंग में अनिल कपूर यार पूरी मूवी को खा गया, मतलब कि क्या बंदे ने काम किया, रियली बता, फुल कॉमेडी है, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे इस मूवी को देख के, इमोशनल है। नीतू कपूर का देख लो आप उनका, फिर कियारा आडवाणी, वरुण धवन, फिर मनीष पॉल, सुपर, सब बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। म्यूजिक पार्ट कैसा है फिल्म का? म्यूजिक भी बहुत अच्छे हैं, सॉन्ग सारे अच्छे हैं, कोई कमी नहीं मूवी, फुल एंटरटेनमेंट, आओ थिएटर में मजा आने वाला भैया। कैसे लगा मूवी के बारे में? बहुत अच्छी फिल्म बनाई, अनिल कपूर का काम बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा किसका? अनिल कपूर का काम सुनने अच्छा किया। वरुण के बारे में बताइए, वरुण धवन के बारे में, वो उन्होंने भी काम अच्छा किया, इन्होंने पूरी पिक्चर को उन्होंने संभाल लिया। अनिल कपूर प्राजक्ता कोहली की पहली मूवी है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? फिल्म अच्छी बनी है, हमें पसंद है, और एक बार देखूंगा। नीतू कपूर बहुत दिन के बाद आई है, बहुत टाइम के बाद है, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। अच्छा, बहुत अच्छी है, पंजाबी माहौल में बनी हुई है। अच्छा, गाने, डायलॉग सभी अच्छे हैं, अनिल कपूर दिख एकदम अच्छा काम। फिल्म का जो कहानी है वो कितना रिलेट करती है आज के समय से? बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, मेरी लाइफ के ऊपर है, अच्छी फिल्म बनी है। तो जज्बाती हो गए दर्शक जब फिल्म देख रहे थे तो? हाँ, जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए? हाँ, हो गए इमोशनल, पैसा वसूल है। म्यूजिक पार्ट कैसा है? अच्छा है। करण जौहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म से कितना उनको और आगे? ऐसे और फिल्म बनानी चाहिए, कॉमेडी फिल्म भी है, सस्पेंस भी है, सॉन्ग भी अच्छा था लास्ट में। हाँ, बस और क्या, अनिल कपूर की एक्टिंग बताओ। अनिल कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। वरुण के बारे में बताओ, क्या एक्टिंग अच्छी लगी? कियारा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी होगी। क्या है फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है? क्या दिखाने की कोशिश है? प्यार के ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, एक कंप्लीट पैकेज है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, जैसे बोलते हैं मसाला कमर्शियल मूवी, मतलब इसमें अच्छा म्यूजिक है, अच्छी स्टोरी है, अच्छे परफॉर्मेंसेस है, इमोशंस है, कॉमेडी है, सब कुछ है। म्यूजिक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का, जो ऑलरेडी हिट हो गया था। अनिल कपूर के बारे में बताना चाहूँगा। अनिल कपूर एक वर्सेटाइल एक्टर है और वो हर मूवी के साथ एक बेहतरीन रोल करते हैं, ये मूवी में भी उनका रोल बहुत अच्छा है, शुरू में कॉमेडी, सेकंड हाफ में इमोशंस उन्होंने अपने झलकाए, बहुत ही अच्छा रोल है उनके साथ। नीतू सिंह ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत ही उनका सटल रोल है, एलिगेंट है, ग्रेसफुल लगी है, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना रोल निभाया, मतलब लगा ही नहीं रहता कि वो एक्टिंग कर रही है। वरुण धवन की बात करें तो क्या कहें? वरुण धवन की भी कॉमेडी बहुत अच्छी है, जहाँ पे इमोशंस है वहाँ पे भी उन्होंने, ही शेड ऑल हिज इनहिबिशंस एंड वेरी नाइसली पोर्ट्रेट हिज रोल। तो जो लोग कहते हैं कि वरुण धवन एक्टिंग नहीं कर सकते, ये मूवी में उनकी काफ़ी बेहतरीन है, इज इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट। कियारा क्या बताइए, क्या कहेंगे? कियारा आडवाणी भूल भुलैया 2 से ऑलरेडी दर्शक उनको पसंद करने लगे, ये मूवी में उनका रोल बहुत अच्छी कवरेज मिली है उनको, और काफ़ी सीन्स में उनके बहुत पावरफुल सीन्स हैं, तो ये दिखाया कि हाउ पीपल यू नो ड्रिफ्ट अपार्ट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन कंपैटिबिलिटी इश्यूज दिखाए, एंड हाउ दे सॉर्ट इट आउट एंड कम बैक टुगेदर व्हेन द लव द पैशन इज रियल, तो फिर वो एक साथ आ जाते हैं। जुग जुग जियो एक मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है फिल्म, ठीक है, इसमें बताया गया था कि मॉडर्न सोसाइटी में और ये हाई एंड सोसाइटी में जो जो खामियां हैं, खास करके डिवोर्स का मामला को लेकर जो खामियां हैं वो दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें कुछ और भी खामियां दिखाया गया था कि बाप बेटे में या फैमिली मेंबर्स के अंदर कोई बंदिश नहीं है, अल्कोहल एक साथ बैठकर पीते हैं, जो हमारे हिंदू संस्कार में बुरा माना जाता है एक साथ बैठ के, तो एनी वे दैट इज़ वन पार्ट, बट द मेन जो मुद्दा है डिवोर्स, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है, डिवोर्स के ऊपर। तो बट हैविंग सेड दैट, ये फिल्म का डायरेक्टर ने एक अच्छा मैसेज दिया दैट डिवोर्स इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, वो बहुत बचकाना चीज़ है, अगर छोटी छोटी बातों को यू नो हमारे बंगाली में हम बोलते हैं, मैं बंगाली हूँ, बंगाली में बोलते हैं सुखे थाकते भूते के लोए, मीन्स आप सुख में हो, अब क्यों अपना
आपको क्या भूत आके काट रहा है कि आप अपने सुख को बर्बाद करो, अपने हाथों से अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारो? क्यों? वाई यू वॉन्ट टू डू दैट? वाई? आपके पास इतना सारा पैसा है, आप थोड़ी ना माचिस की तीली लेके पूरा पैसे को जला दोगे? नहीं ना। या आपके पास इतने सारे बेशुमार गहने हैं, आप थोड़ी ना गटर में डाल दोगे? नहीं ना, कोई नहीं करता, वो पागल ही करेगा। तो अगर सुख में हो तो उसको आप वो सुख को मेंटेन करो एंड एन्जॉय वट एवर द गिफ्ट यू हैव, द गिफ्ट ऑफ वेल्थ, द गिफ्ट ऑफ अ फैमिली। तो ये अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है। बट एनी वेज, हैविंग सेड दैट, ये फिल्म मास ऑडियंस को के पल्ले नहीं पड़ेगी। तो जब पल्ले नहीं पड़ेगी उनको, वो एंटरटेन नहीं करेगी। एंटरटेन नहीं करेगी तो मास ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा, एंड बाई वर्ड ऑफ माउथ मास ऑडियंस में ये पॉपुलर नहीं होगी। बट NRI ऑडियंस ओवरसीज, ये उनके लिए एक वन टाइम वॉच है, एंड उनको कुछ सीख अगर लेनी है तो वो ले सकते हैं। इट इज़ अ गुड मूवी मेड इन अ वेरी गुड टेस्ट, ओके। बट आई डोंट नो हाउ फार इट विल डू एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई एन्जॉयड द मूवी, मुझे अच्छा लगा, मुझे मैसेज अच्छा लगा। आई कुड एक्सट्रैक्ट द मैसेज आउट ऑफ द मूवी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस हाउ मैच्योर दे आर, हाउ कैन दे एक्सट्रैक्ट द मैसेज आउट ऑफ द फिल्म। सो इट इज़ एन एपथी, दिस फिल्म इज एन एपथी ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप। तो फ्रॉम द क्लास ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वॉचेबल मूवी। I will definitely, me as Bong Uncle, I'm known as Bong Uncle, okay, and I have a good amount of audience who watch my reviews. So, main bolta hun, class audience ke liye, it is a full-on entertainer, and there are a few messages that you can extract out of it. There are a few, not all the messages are good. Alcohol, again, I don't support alcohol. So, alcohol, jo freely jo dikhaya gaya hai, baap beta bed ke alcohol pi raha hai, theek hai, bahu aur saas pi rahi hai, तो वो दैट आई डोंट सब्सक्राइब टू।